केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को बड़ा दावा किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की एक सीट एवं तीन विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में भाजपा सभी चार सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सिंधिया ने ग्वालियर में संवाददाताओं से कहा है कि आम लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ है, इसलिए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट एवं तीन विधानसभा सीटों निवाड़ जिले की प्रदीपुर, अलीराजपुर जिले की जोबट और सतना जिले के रेगांव में 30 अक्टूबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 2 नवंबर को होगी। इनमें से खंडवा लोकसभा एवं रेगांव विधानसभा सीट भाजपा सदस्यों का निधन के कारण खाली हुई है, जबकि प्रदीपुर और एवं जोबट विधानसभा सीटें कांग्रेस विधायकों के निधन के कारण हुई रिक्त हुई है। कांग्रेस ने इन चारों सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि भाजपा ने अभी तक इनमें से किसी भी सीट के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है।